हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त सौरव जीतू। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक कैसे पहुँचे, वो भी कम बजट में। तो आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचोगे, एयरपोर्ट के टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, टर्मिनल 3 तक कैसे पहुंचोगे, जहां एयरपोर्ट जाने के लिए आपको खर्च करने होते हैं 400 से 500 रुपये। आराम से ऑटो टैक्सी वाले ले लेते हैं आपसे, ओला उबर वाले आपसे 400 से 500 रुपये चार्ज करते हैं। वहीं आप दिल्ली मेट्रो का यूज़ करके, दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का यूज़ करके मात्र 15 मिनट और 60 रुपये में पहुँच सकते हो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1, 2 और 3 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आपका नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन है। यदि आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जाना चाहते हो, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से यानी मेट्रो से आप जाना चाहते हो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और एयरपोर्ट जाना चाहते हो, तो उसके लिए देखिए ये आपका जब प्लेटफॉर्म नंबर 16 से आप जब एग्जिट करते हो तो ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और देखिए जैसे ही आप 16 नंबर से एग्जिट करते हो तो एक तो आप स्काई वॉक का यूज़ करके डायरेक्ट आप पहुँच सकते हो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन वाले मेट्रो में। और दूसरा तरीका ये है कि देखिए जो सामने आप लोग बिल्डिंग देख पा रहे हो, ये आपका नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने ही पार्किंग है। पार्किंग की फैसिलिटीज आपकी 24/7 होती है। और देखिए इसके नीचे से ही एक एंट्री मिल जाएगी आपको एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में। यदि आपको सफ़र करना है एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से नई दिल्ली से और एयरपोर्ट तक, तो उसके लिए एंट्री आपको वहाँ से मिल जाएगी। अब मैं बताता हूँ आपको कि 5 नंबर जो आपका गेट है मेट्रो का, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का, वहाँ से आप एंट्री कैसे करोगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए एक्सप्लोर 25। 16 नंबर से आप एग्जिट यहाँ से करोगे और देखिए स्काई वॉक से यहाँ से भी जा सकते हो और डायरेक्ट ऊपर ही ऊपर आप स्काई वॉक से मेट्रो स्टेशन तक जा सकते हो। और देखिए ये आपका नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है, यहाँ से केवल एग्जिट होता है, तो यहाँ से आप एंट्री नहीं कर सकते हो। एंट्री आप लोग कर सकते हो गेट नंबर 2, 4, 5 और 6 से। तो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए आप लोग गेट नंबर 5 से एंट्री कर लीजिए और गेट नंबर 5 तक जो जाने का रास्ता है वो ये है, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में जाने का रास्ता आपका ये है। यहीं से होके आप जाओगे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के लिए। तो यहाँ से 50 मीटर जैसे ही आगे चलोगे आप तो राइट हैंड साइड पर ही है आपका नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन का एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का गेट नंबर 5। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाने के लिए आपको देखिए नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन का जो एंट्री गेट नंबर 5 है, यहीं से आपको एंट्री करना होगा। यहीं से आप एंट्री करके डायरेक्ट पहुंच जाओगे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन वाले मेट्रो में और आप 15 मिनट के अंदर पहुंच सकते हो यहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट तक। तो ये एक गेट नंबर ये 5 है, और भी गेट्स हैं, वो भी मैं गेट्स आपको दिखाता हूँ ताकि कोई भी जानकारी आपकी अधूरी ना रहने पाए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और एयरपोर्ट तक पहुँचने की। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए एक्सप्लोर 25। ये आपकी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने ही बहुत ही बड़ी पार्किंग है, मल्टी लेवल कार पार्किंग है। और देखिए मल्टी लेवल कार पार्किंग है, उसके नीचे भी आपको एक एंट्री गेट मिल जाएगा आपको एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन तक जाने के लिए। वैसे तो आप किसी भी गेट से एंट्री कर लो जहाँ से आपको नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन में एंट्री मिलती है, किसी भी गेट से एंट्री कर लो, किसी की भी गेट से एंट्री करके अंदर ही अंदर आपको रास्ता मिल जाएगा नई दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन तक जाने के लिए। लेकिन कुछ गेट्स ऐसे हैं जो सेपरेट गेट हैं, जैसे ये नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 7 है, यहाँ से भी आप एंट्री करके पहुँच सकते हो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन तक। तो चलिए हम यहीं से एंट्री कर लेते हैं और बकायदा कॉन्कोर्स एरिया वगैरह सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। बने रही वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए एक्सप्लोर 25। गेट नंबर 7 से जैसे ही आप एंट्री करोगे ना तो आपको यहाँ पर देखिए ऑटोमेटेड डोर्स मिल जाएंगे। ये सामने जो आप लोग गेट देख रहे हो ना, ये ऑटोमेटेड गेट्स हैं। अभी ये भैया जा रहे हैं, देखिए ये ऑटोमेटेड ओपन होते हैं, ओपन हो गया और आगे जाके सिक्योरिटी चेक वगैरह है, तो चलते हैं सिक्योरिटी बैग वगैरह चेक वगैरह कराते हैं और एंट्री करते हैं मेट्रो स्टेशन में। जी आपका दिल्ली मेट्रो के एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का देखिए ये कॉन्कोर्स एरिया है, यहाँ पर एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस के सामान चेक इन की सुविधा उपलब्ध है, तो आप यहां पर सामान चेक इन करा सकते हो एयर इंडिया और विस्तारा एयरलाइंस दोनों का। और देखिए यहां पर आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, बिल्कुल सामने ही टिकट काउंटर है और टिकट आपको काउंटर से ही लेना पड़ेगा।
क्योंकि ये जो आपका एटीपीएम मशीन है, एटीपीएम मशीन से आप केवल कार्ड रिचार्ज कर सकते हो। आप यहाँ पर देखिए, आप आपके पास दिल्ली मेट्रो का यदि कार्ड है तो दिल्ली मेट्रो के कार्ड से आप सफ़र कर सकते हो। जो IGI एयरपोर्ट तक का यहाँ पर फेयर है वो 60 रुपये का किराया है लास्ट इसका एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का। और जैसे दिल्ली में जो भी मेट्रो चलती है कलर के हिसाब से होती है, पिंक लाइन, येलो लाइन, सिल्वर लाइन, वैसे ये आपकी ऑरेंज लाइन की मेट्रो है। और यहाँ से आप टिकट लोगे और टिकट लेने के बाद आप यहाँ से एंट्री करोगे। यहाँ से आपको QR कोड वाला टिकट मिलेगा। देखिए, टिकट आपको कई तरीक़ों से मिल सकता है। ऑनलाइन टिकट आप या तो DMRC ट्रैवल ऐप से ले सकते हो, या फिर आप Paytm से ले सकते हो, या फिर काउंटर से ले सकते हो आप। ठीक है, इन तरीक़ों से आप टिकट ले सकते हो। मेरे पास कार्ड है तो हम कार्ड से ट्रैवल करने वाले हैं। ये आपका प्लेटफॉर्म है एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का। सारे डोर्स क्लोज होते हैं जब मेट्रो आती है, उसके बाद ही डोर्स यहाँ पर ओपन होते हैं। देखिए, मेट्रो आ चुकी है एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की। तो ये मेट्रो है एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की। यहाँ से डोर ओपन होगा जब मेट्रो रुकेगी और यहीं से हम एंट्री करेंगे। ये ओपन हो चुकी है। जो अपनी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की मेट्रो है वो अंदर से कुछ ऐसी दिखती है। सीटिंग देख सकते हो आप लोग, इसकी सीटिंग देख सकते हो। मेट्रो रुकने के बाद ना क्लीन होती है, क्लीन होने के बाद वापस चलती है। लगेज के लिए ये बना रखा है, यहाँ पर आप अपना लगेज वगैरह अपना रख सकते हो। तो लगेज रखने के लिए ये है। और देखिए, चार्जिंग की सुविधा इसमें यहाँ पर होती है, यहाँ पर चार्जिंग की सुविधा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्रीन लगी है। स्क्रीन में आपको देखिए पूरा ही मैप मिल जाएगा इसका, मेट्रो का, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन का। और देखिए ऊपर भी आपकी मैप, ऊपर आपका मैप है। अब जैसे ये ब्लू लाइन है, ये यहाँ से नई दिल्ली से चलेगी शिवाजी स्टेडियम के लिए, तो ब्लू लाइन शिवाजी स्टेडियम पर पहुँचते ही ब्लू लाइन शिवाजी स्टेडियम पर आ जाएगी। तो ये कुछ मैप है, अभी ये चल रही है नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक। और अंदर से भाई कुछ ऐसी दिखती है मेट्रो। भाई इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर दो आप लोग, आप लोगों के सपोर्ट की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। ठीक है, और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। DMRC दिल्ली सारथी 2.0 वन दिल्ली व्हाट्सएप। ये जो मेट्रो स्टेशन है आपका, एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन है। अब यहाँ से एग्जिट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप यहाँ से टर्मिनल 2 T2 और 2 T3 तक कैसे पहुँचोगे। एस्केलेटर लेके हम चलते हैं ऊपर, और रास्ता आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और रास्ता आप लोग लाइव देखते रहो यहाँ से इसमें। जो आपका मेट्रो स्टेशन है, ये दिल्ली मेट्रो का एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन है, एयरपोर्ट का मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलते हो, देखिए बिल्कुल सामने ही है आपका टर्मिनल 3। तो ये आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 3 है वो है, ये टर्मिनल 3 है। और टर्मिनल 3 के ठीक सामने ही है टर्मिनल 2। तो टर्मिनल 2 पर भी हम चलेंगे। यहाँ से सीधे जाके आगे से राइट होना होगा टर्मिनल 2 तक जाने के लिए। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और देखते रहिए X25। यहाँ से आप टैक्सी ले सकते हो, प्रीपेड टैक्सी वगैरह की बुकिंग यहाँ से हो जाती है। तो प्रीपेड टैक्सी आप लोग इंटर स्टेट के भी लिए भी ले सकते हो, जैसे कुल्लू मनाली शिमला हरियाणा के लिए, पंजाब के लिए, इन सारे जगहों के लिए ना आप टैक्सी यहाँ से टैक्सी की प्री बुकिंग करा सकते हो। ठीक है, तो यहीं से बिल्कुल सामने से जाना होगा हमें टर्मिनल 2 तक जाना है। तो
तो भाई बने रहो वीडियो में लास्ट तक, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर देना, और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो। दिल्ली की DTC बस भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, यदि आपको यहाँ से कश्मीरी गेट के साइड में जाना हो, आपको धौला कुआं के साइड में जाना हो, तो यहाँ से आपको बस की सर्विस भी आसानी से मिल जाती है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये टर्मिनल 3 है, और टर्मिनल 3 से केवल और केवल जो इंटरनेशनल फ़्लाइटें होती हैं उनका आना जाना होता है। इंटरनेशनल फ़्लाइटें यहाँ से आपको मिल जाती हैं टर्मिनल 3 से। अलग अलग गेट्स बनाए गए हैं एंट्री और एग्जिट के लिए। तो ये टर्मिनल 3 पर हम हैं, और टर्मिनल 2 पर यहाँ से चलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है पिलर नंबर 16, पिलर नंबर 15, अलग अलग पिलर्स के नंबर हैं। और देखिए आपको यदि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से टर्मिनल 1 तक जाना है तो आपको पिलर नंबर 11 से आपको फीडर बस सर्विस मिल जाएगी, और फीडर बस सर्विस लेके आप यहाँ से जा सकते हो टर्मिनल 1 तक। आपको यदि टर्मिनल 3 से 2 जाना हो तो देखिए ये रास्ता है, यही जाएगा आपका टर्मिनल 2 तक। टर्मिनल 2 तक जाने के लिए यहाँ से हमें जाना होगा, ये रास्ता है जो टर्मिनल 2 को जाता है। ये पार्किंग है टर्मिनल 2 के पास में है पार्किंग, और भाई हम तो केवल फ्लाइट देखने के लिए आए हैं और फ्लाइट दिखाने के लिए आए हैं कि पास से जो फ्लाइटें दिखती हैं वो कितनी बड़ी दिखती हैं, ये अभी मैं लाइव फर्स्ट टाइम देखने वाला हूँ, और आप लोगों को भी मैं दिखाने वाला हूँ। तो बने रहो वीडियो में लास्ट तक और देखते रहो Explore 25। और मौसम भी बड़ा सुहाना हो रहा है, बारिश बस आने ही वाली है, तो बारिश आने के पहले ही एंड करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखो, मैं फर्स्ट टाइम इतने करीब से फ्लाइट्स को देख रहा हूँ, तो कुछ इतनी बड़ी दिखती हैं फ्लाइटें करीब से, आप लोग देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर बहुत ही नेक्स्ट लेवल की फीलिंग है भाई, वाह 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 वाह, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं इतने करीब से फ्लाइटें देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम। तो भाई बारिश थी, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। और ये देखिए फ्लाइट एक उड़ान भर रही है, जय हो। पास से देखने में ना और ही क्या ही खूबसूरत नज़ारा है भाई, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते लाइफ में। देखिए आप लोग देखिए, बिल्कुल सामने ही आपका टर्मिनल 3 है, और टर्मिनल 3 के सामने ही आपका टर्मिनल 2 है। तो ये आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का देखिए ये टर्मिनल 2 है, और टर्मिनल 2 से केवल और केवल डोमेस्टिक फ्लाइटें उड़ान भरती हैं। देखिए ये आपका टर्मिनल 2 है, और टर्मिनल 1 के लिए मैंने बताया आपको कि टर्मिनल 1 तक जाने के लिए आपको जो आपका टर्मिनल 3 है, टर्मिनल 3 का जो पिलर नंबर आपका 11 है, टर्मिनल 3 के पिलर नंबर 11 से आपको फीडर बस सर्विस मिल जाएगी डायरेक्ट आपको टर्मिनल 1 तक जाने के लिए। और ये इसके बाहर ये पार्किंग है, यहाँ पर जो प्रीपेड टैक्सी वगैरह होती हैं ये सारी प्रीपेड टैक्सियाँ हैं जो लगी हैं, तो यहाँ से प्रीपेड टैक्सी करके आप इंटर स्टेट प्रीपेड टैक्सी, दिल्ली के लिए प्रीपेड टैक्सी कर सकते हो। टर्मिनल 3 के अलावा आपको जो शटल बस सर्विस है टर्मिनल 1 के लिए वो आपको टर्मिनल 2 से भी मिल जाएगी। तो ये देखिए शटल बस सर्विस लगी है, ये टर्मिनल 1 से टर्मिनल 3 तक चलती है, यानी टर्मिनल 1, 2 और 3 तक चलती है। तो देखिए यहाँ से भी आपको टर्मिनल 1 की जो बस है शटल बस सर्विस वो आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी नहीं थी। आप लोग अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दे सकते हो, ऐसे ही और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।